So now we are on our way to board to our flight, Sri Lankan Airlines from Delhi to Colombo. मेरे साथ मेरी मासी, क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं तो टिकट सेट हो गई, बस नहीं गिरेगी. चलो अब पहली बात, अब तो हो गया, अब नहीं रुकेगी, और अगर गिर भी जाए तो पता नहीं चल रही थी हमने वो फिर भी बिठाई अपने को. मेलबर्न सिडनी, अरे यार चलो. एक हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया वाले भैया हैं, इन्होंने सिडनी का लगाया. से हाय. ठीक है, अभी उसमें वीडियो डाली नहीं है, मैं डालूंगा अभी. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. तो ये सिडनी के ब्रो थे, सिडनी जा रहे हैं ये, और फिलहाल चले जा रहे हैं. वैसे कहाँ है, हमारी फ्लाइट में दिख नहीं रही है. इस तरफ से जाना है शायद. वो देखिए एयर इंडिया की फ्लाइट है, बट हम इसमें नहीं बैठेंगे. पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, वो तो उन्होंने रख लिया. श्रीलंका एयरलाइंस छोटे वाला दिया, ये रहा ना. थैंक यू सो मच. सो हियर वी आर, अब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एंटर. वो रही हमारी श्रीलंका एयरलाइंस. ये हमारा कनेक्टर रहता है जो हमें टूर से कनेक्ट करता है, और थैंक यू सो मच. तो अभी हम लोग अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, एंड काफ़ी काफ़ी पोलाइट थे द एयर होस्टेस एंड क्रू बॉय वर वेरी पोलाइट. एंड जैसे कई होते हैं, मतलब एक वाव फीलिंग देते हैं, वो एक अच्छा लगा इनसे मिलकर. एंड यस, सो नाउ वी आर हियर ऑन आवर सीट. ये हमारा एक्सटर्नल व्यू है, ये विंडो सीट है, जो कहते हैं विंडो बादल इम्पोर्टेंट है. तो फाइनली अभी मैंने और मासी ने लड़ झगड़ के विंडो की सीट ली है, क्योंकि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल देखना बहुत ज़रूरी है. पहले हमारी सीट वो बीच की थी, हमने उससे बात की, हमने क्या देखो ऐसा है आप कि घर की बात है, हमें साइड में बैठने दो, बादल देखने, हमको बादल नहीं देखा तो ट्रिप का मज़ा ख़राब हो जाएगा, जो पैसा दिया वो मज़ा नहीं आएगा. तो उसने कहा ऐसा है, तो मैं कहा देख लो यार, चलो भैया बैठ जाओ, कोई नहीं आए तो. मैं कह रहा कोई नहीं आएगा, अपने राजा आदमी है यार, कुछ कुछ नहीं कहता अपनों को. तो हम यहाँ देखेंगे बादल सारे रास्ते, और आपको भी दिखाएंगे. फिलहाल के लिए जो हमारी सीट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिस्टम क्या कुछ है. तो थोड़ा एक्सप्लोर करें हमारी सीट को. पहले ये एक बोर्ड सा रहता है, ये जो इस पर रख के आप खाना खाएं, कल को खाना खा सकते हैं. लैपटॉप वर्क करने के लिए टेबल हो जाता है ये आपका, इसको ऐसे करके फ्लिप करके बंद कर दें आप, ठीक है, ऐसे बंद हो जाएगा. ये आपकी स्क्रीन रहेगी, इसको स्क्रीन को ऑपरेट करके देखते हैं. बिगिन, ठीक है, इंग्लिश कर दिया भाई. ये दिल्ली से कोलंबो दिखा रहा है, ठीक है. अभी क्या दिखाना चाहेगा और देखते हैं क्या कर. ये क्या है, कॉल क्रू. अच्छा हो, ये अगर आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मन कर रहा तो क्रू को परेशान कर दें. ये क्या है, बल्ब क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ से बल्ब कराया तो ये बल्ब जल जाता है. देखिए लुक जग भुज, जग भुज. मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाते जाते यहाँ से कोई नुकसान कर दूँगा. ये ब्राइटनेस सेटिंग है इसकी, ये वॉल्यूम, ये लैंग्वेज इंग्लिश है जो कि. ये क्या है, देयर आर नो आइटम्स टू व्यू, प्रेस स्टार्ट टू नेक्स्ट योर फेवरेट म्यूजिक. फिलहाल तो फिलहाल अब हम वसूली करेंगे जो पैसा हमने दिया है. अब मैंने ये कैबिन वाला ऑप्शन होता है, इस पर कॉल क्रू पर जाएंगे, कॉल क्रू पर मैंने क्लिक करा. अगर तो देखिए ऊपर ये लाइट ब्लिंक करने लग जाती है. अभी इनको मैं बुला रहा हूँ, और अभी इनका खर्चा करवाना शुरू करेंगे, देखते हैं कोई क्रू मेंबर आ जाए तो.
और फ्लाइट चालू नहीं है, नहीं तो क्रू मेंबर घूमते हुए दिखेंगे। अक्सर भी मैं कंटिन्यूसली कॉल क्रू करता रहूँगा ताकि कोई आए और पूछे आगे सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तब मैं कहूँगा जो भी तुम्हारे पास है सब परोस दो मुझे। कभी कोई आ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा मुझे। तो फिलहाल हमने अपनी टिकट की वसूली करना शुरू कर दिया। मैंने और मासी ने भी फिलहाल बुलाया, मतलब मैंने अभी ऑन माई वे है, हमने एक एक जूस मंगाया। इसके बाद हम सेकंड अटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, फिर हम जूस एक और मंगाएंगे नई तरीके का, फिर हम पानी, फिर हम खाना, हम एयरलाइंस को लूट लेंगे जब तक मेलबर्न पहुँचेंगे। भाई बकबक कर ही आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ज्ञान दे रहे हैं देखिए, और इन्होंने जो एनिमेशन यूज किए हैं वो काफी प्यारे से हैं। इस काम की बात मैं ये बता रहा हूँ कि फिलहाल अभी जूस के बाद हमने पानी की बोतल मंगा ली, इसके बाद मैं सेकंड अटेम्प्ट करूँगा, मैं एप्पल जूस ट्राई करूँगा, फिर देन मैं और मासी थोड़े थोड़े हार्ड बेवरेजेस की तरफ ट्राई करेंगे। हार्ड बेवरेजेस मासी को भी समझ में नहीं आया तक, क्या पता मासी को बाद में दूँगा हार्ड बेवरेज, फिर मासी यही टेस्टी लगेगा, फिर हम बादल देखेंगे, फिर हम झूमेंगे, तो काफ़ी इन्जॉइंग होने वाली है जर्नी। मासी अब सभी रिश्तेदारों को अब जला रही हैं, सबको दिखा रही है फ्लाइट में हूँ, मासी फुल जलाओ। फिलहाल हमारी फ्लाइट ने मूवमेंट शुरू कर दी है और हल्का 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 पीछे जाने लगी है ये। सामने थोड़ी सी नॉइज रहेगी बट थोड़ा स्क्रीन का गाइड बताया तो आपको क्या है मेन्यू, ठीक है। इसमें वो मूवीज पे क्लिक करते हैं तो सभी देखिए मूवीज आ रही हैं, कॉमेडी में देखिए सपोज के लिए देखिए जुड़वा भी है, हिंदी भी मूवीज हैं, वेलकम भी है, टॉम एंड जेरी सभी तरीके की मूवीज हैं, एक्शंस के अंदर है, एवेंजर्स अवतार हैं। आप इसके अलावा मूवीज़ के अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक में देखते हैं क्या क्या है। ए आर रहमान साहब हैं, क्या बात है। और बाकी ठीक है सर्च ऑप्शन नहीं आता है शायद, क्लासिक एल्बम देखते हैं क्लासिक एल्बम्स में। वाह वो आता नहीं है, मासी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बादल है ये, बादल ही बादल हर तरफ बादल है ना। ओ भाई साहब ये कैमरे के अंदर जो व्यू आ नहीं पा रहा है। चलो मेन्यू पे क्लिक करते हैं, मेन्यू क्या है। ओ माय गॉड ये मेन्यू नहीं बता रहा, जो खाने पीने की मेन बात नहीं कर रहा है मेरे से, जो जिस पर्पस व्हाट इज दिस ड्यूटी फ्री सी। ओ माय गॉड सो ये ऑप्शंस हैं दारू के, ओहो हो स्कॉच व्हिस्की, चलिए ग्रेट वेलकम कंटेंट्स। फिलहाल इन्होंने मुझे मेरा मील दिया है तो इसमें अब मैंने स्प्रेड लिया, तो हार्ड बेवरेजेस नहीं लिए थे पर ऑफरिंग मी वो जो रेड वाइन्स दे रहे थे और समय तो ब्रांड मुझे याद नहीं आ रही है, और कोक का था एंड कोक एंड स्प्राइट, सो आई हैड माय स्प्राइट। और ये वेजिटेबल सलाद है फ्रॉम फ्रूट्स, और मेन्यू में हमारे पास आज है वेजिटेबल सलाद, फ्रूट्स, स्प्राइट, एज आई एम नॉट अ ड्रिंकर। अब आयुष कटारिया यहाँ पे देख के ज़रूर मुझे कहेंगे अरे यार शिवम भाई टिकट के पैसे बर्बाद के जो ड्रिंकर्स, एंड हियर इज आर मील,
इट्स फ्राइज विद सम पीज एंड बाकी मैं नहीं बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो यह है मील और ये बाहर मामला है, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा देखने खाने में। तो अभी मैं बाइट लेने जा रहा हूँ अपने फूड की, लेट्स सी हाउ इट इज़। रियली रियली वेलकम, माइल्ड स्पाइसेस हैं और बहुत अच्छा, बट ट्रैवलिंग पर्पज के लिए बहुत अच्छा फूड है। ऐसा नहीं खाओगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा एकदम से स्पाइसी फील हो, रियली आई एंजॉयड इट, थैंक यू। मेरा मील हो चुका है और ये मुझे अभी ये टी ऑफर करके गए, ठीक है। तो है तो ब्लैक टी, देखता हूँ इसमें पाउडर, बाकी हाँ चीज़ बताना भूल गया था मैं, ये पाउडर ऑफर किया था उन्होंने, मिल्क पाउडर, शुगर सैशे, सॉल्ट है, टी सैशे भी है इसके अंदर। तो अभी देखता हूँ अगर ये ऐसा लगता है इसमें मिल्क डालूँगा नहीं तो। इसके अंदर डालना पड़ेगा सारी प्रिपरेशन, आधी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो करते हैं देखते हैं अगर टेम्परेचर स्टूडेंट को वापस साल। पर वो घर वाली बात है नहीं, बहुत सी बात है, बन चुकी है ठीक है, वन ईयर फूड ठीक है, सॉल्ट पेपर बचा है मेरे पास, बाकी स्पाइसेस ठीक थे तो मैंने यूज़ नहीं किए इसको, सम कटलरीज बची है मेरे पास लाइक फोक, एंड लाइक फोक इसलिए बची क्योंकि मैंने फ्रूट्स खाए नहीं है, इसको मैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद इंजॉय करेगा फूड को मेरे, बाकी प्लेट चलती रहेगी, फिलहाल के लिए चाय पीते हैं, आप भी अपने घर पे बनाइए। तो फिलहाल खाना खा के चाय पी के बिल्कुल अब लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई हैं, हमने लाते पसार लिए हैं हैंड रेस्ट पे आगे वाली सीट के, तो अपनों को अपना कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है। अपने कानों में चल रहे हैं इस वक्त शिव कुमार जी के मंद मंद गाने, बस यही चाहिए लाइफ में, और लाइट्स बंद, डिम लाइट्स हैं शिव कुमार जी के, बढ़िया बढ़िया, हाँ 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 चलने दीजिए। मैसेज चेक कर रहे हैं हम कहाँ पहुँच चुके हैं, फिलहाल हम लोग न्यू दिल्ली से अभी क्रॉस वाराणसी जाएंगे, वाराणसी से मुंबई, फिर लास्ट में कोलंबो। फाइनली तो अभी बज रहे हैं 10:30 13 तारीख के रात के 10:30 बज रहे हैं और हम फिलहाल श्रीलंका आ चुके हैं। बंदर समथिंग करके जो एयरपोर्ट है वहाँ आ चुके हैं, ये नाम मैं पहले भी ढंग से नहीं बोल पाया था और अभी आधी नींदों में हूँ, अच्छी चल रही थी, वी हैड डिनर एट टाइम एंड उसके बाद ऊपर अंधेरा हो गया था, कुछ देखने लायक था नहीं बाहर, तो और रास्ते में काफ़ी सर्दी भी हो गई थी, सो ये जैकेट मैंने जो मेरे हाथ में ये पहनी भी थी, बट यहाँ श्रीलंका 28 डिग्री टेम्परेचर है तो कोई खास ज़रूरत है नहीं इसे पहनने की,
तो अब फिलहाल हमें मेलबर्न के लिए जो मिलेगी वो जो हमारी फ़्लाइट रहेगी वो रहेगी 12:20 पे। तो तब तक के लिए अब जो हमें मिलेगी गेट नंबर 11। जस्ट अ सेकंड, तो हमें गेट नंबर 11 से मिलेगी। तो फ़िलहाल देखिए यह है श्रीलंका एयरपोर्ट। ज़रूर श्रीलंका में अभी कुछ हालात सही नहीं रहे, बट अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस जो है एयरपोर्ट ही काफ़ी सही है, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ्लाइट की बात की जाए तो श्रीलंका एयरलाइंस ठीक है, चीपर है, अगर आप मतलब असिस्टेंस के मामले में काफ़ी सही है। और देखिए डोनेशन बॉक्स के हम चाहते हैं इसे क्या कहें, पूरा मनी से भरा हुआ है। और डेवलप अराउंड वर्ल्ड दे जो मेलबर्न से हमें जो अब मिलेगी फ़्लाइट वो हमें डायरेक्ट पहुंचाएगी, पर वो अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स लेंगे, 15 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, जो कि तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी रहेगी वो। तो अभी देखते हैं क्या रहेगा, और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है क्योंकि जो हमने डिनर किया था वो 7:30 अप्रॉक्स था, उसके बाद अभी 10:30 बज रहे हैं, एंड मैंने आफ्टरनून के अंदर कोई लाइट स्नैक्स ही लिए थे। सो फिलहाल जस्ट वॉन्ट टू हैव सम फूड, तो देखते हैं क्या अवेलेबल है। तो यहाँ वेटिंग है, हमें वेट करना होगा। गेट 11 के रेस्टिंग रूम में जाके बैठेंगे जो कि आगे है। अभी हमारी कंपनी में पहले मासी थी, अब हमारे साथ ये दो एक बच्ची भी ऐड हो चुकी है। से आए ये भी मेलबर्न जा रहे हैं हमारे साथ, बच्ची ने हाय तो नहीं कहा बट ठीक है। देखिए यहाँ पे फीडबैक मांग रहे हैं, वॉशरूम आया था, वॉशरूम में फीडबैक मांग रहे हैं, मतलब जो चीज़ है वैसे सुनो। तो मैं वॉशरूम आया था और यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए उन्होंने एक ये एक पैसेंजर गेट पास देते हैं, आपकी एक बड़ी चेकिंग जब हो जाती है तो उसके बाद ये पास देते हैं, तो आप वॉशरूम वगैरह मतलब मेरे जैसे मैंने बताया था गेट नंबर 11 से नेक्स्ट फ्लाइट है, तो मुझे अब इमिग्रेशन ने दोबारा स्कैन किया तो उसके बाद ये मुझे पास मिलता है, उसके बाद आप मुझे वॉशरूम जाना अलाउ किया गया। तो आज यहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए भी आपको कागज़ चाहिए, तो काफ़ी सकता ही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट आपको बैठ के बताता हूँ, अभी मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, देख रहे हैं मुझे ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे अभी हम कोलंबो से सेकंड फ्लाइट पे बैठ चुके हैं, और जो कि अकॉर्डिंग टू मैप जो मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ, और यहाँ पर जो स्क्रीन है मेरे सामने तो ये जो कोलंबो से फ्लाइट मिल रही है वो हमें तिरुवनंतपुरम वापस इंडिया लेके जा रही है, और उसके बाद का रूट इसमें शो नहीं कर रहा है। तो अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि तिरुवनंतपुरम वापस क्यों जा रही है, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आई थिंक। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पर बिल्कुल ओशन के पास, बिल्कुल ओशन के पास यहाँ पर कोलंबो, और यहाँ से हमें हम जाएंगे कनेक्टिंग इंडिया टू अनदर ओशन पॉइंट तिरुवनंतपुरम। यहाँ से जाएगा जो मेलबर्न का रास्ता किस तरफ जाएगा वो देखेंगे, 3D व्यू काफ़ी। चलिए इंडिया देखते हैं, हम जहाँ से आ रहे हैं राजस्थान से आ रहे हैं, उसको थोड़ा ज़ूम करते हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं और ये ठंडा बंद दे रहे हैं,
उसके अंदर चटनी भरी हुई है और गाजर कोई तुक नहीं है इसका, ये जूस दिया है इन्होंने। सर तो भाई भूख बहुत जोर लगी हो रही है, अब क्या टाइम पास कर रहा है, दाल चावल लेके आओ, क्या बदतमीजी है ये। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, एक बन है, बटर है, जैम है और ये ऑमलेट, चिकन सॉसेज है, ये सौते टमाटो स्लाइस है, बाकी ये शायद तक पोटैटो टोस्ट पोटैटो है शायद तक ये, और फ्रूट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर फिलहाल एक इसमें बात है बताने वाली कि मैंने ऑर्डर तो वेजिटेरियन फूड किया था, एक्चुअली मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, वो एयर होस्टेस रैंडम आई और शी शायद ब्रेकफास्ट आई थॉट वो सर्व कर रही हैं। जब मैंने खोला तो देखा वो नॉन वेजिटेरियन है, तो आई आस्क्ड हर टू रिप्लेस इट बिकॉज समवन सिटिंग बिसाइड मी, मेरे पास जो बैठा था उन्होंने कहा कि ये बीफ है, आई सेड आई वांट इट, मैं नहीं खाऊंगा ये। तो बट जब वो आए उन्होंने कहा ये एग और चिकन सॉसेज है, मैंने वो ब्रेकफास्ट खोल दिया था तो मैंने कहा लेट्स ईट इट। और फिलहाल मैं कह रहा हूँ अभी ये आके मेरे से बोल के गए कि अगर आपको वेज मील चाहिए तो आप ले लीजिए, बट मैंने कहा नहीं हम ओके विद इट, पर मुझे जूस दे दीजिए। चलिए खाना अच्छा है वैसे, सो एंजॉय करते हैं। तो हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं इंडियन टाइम के अंदर 10 और हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया से अप्रॉक्सीमेटली 5.5 घंटे आगे है, तो आप 3:30 बज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। और ये वीडियो थोड़ी अजीब सी है, ये बस उनके लिए जिन्होंने अभी एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं किया और इनको उनके वाशरूम्स और रूल्स वगैरह नहीं पता। तो कभी भी एयरलाइंस में जब आप ट्रैवल करें तो वाशरूम्स अभी सीट के बीच में कैबिनेट्स अपना था उस पर लिखा होता है, सीट्स के पास में होगा कैबिनेट्स ऐसा, ठीक है। और उसमें जब आप एंटर करें तो ये होता है कि जब आप अंदर आएंगे तब ये ग्रीन होगा, इसको इतनी का स्वाइप करो तो रेड हो जाएगा, इसमें तो लॉक लग जाएगा और बाहर दिखेगा ऑक्यूपाइड वैकेंट की जगह। और इसमें यहाँ पर आइए सीट्स होती हैं, वेस्टर्न सीट होती है, इसके अंदर पानी नहीं फ्लश चलेगा, वो वैक्यूम पर फ्लश होता है, हल्का सा थोड़ा सा पानी चलता है बस, आप अगर फ्लश करिए तो वैक्यूम के थ्रू जो सक्शन होता है उसके थ्रू जो भी आपका डस्ट है वेस्ट है वो अंदर चला जाता है, वाटर यूज़ बहुत कम होता है। यहाँ पे एक टैप है जो भी थोड़ा कम ही पानी देती है, कप्स वगैरह हैं यहाँ पर इनकेस कुछ पानी किसी को भरना चाहते हैं उसके लिए है, सॉप वगैरह है और यही रहता है, नैपकिंस वगैरह हैं मोस्टली। फ्रेश होने के बाद ये आपको जो टिश्यू पेपर यूज़ करना होता है, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है कि हवा में उतरती नहीं है कहीं, ऐसा मानना है तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है, ईजिली हो जाता है, मेरा भी हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, मैंने सोचा छोटी सी वीडियो ये भी डालूं जो आप जो लोग कभी एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं किया, इंटरनेशनल की ट्रैवल नहीं किया उनके लिए। चलिए हाय, सो इट्स टाइम 4:42 इन मेलबर्न एंड इंडियन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बज रहे होंगे, सो वी हैव लैंडेड इन मेलबर्न। मौसी जी विदास, और यहाँ पे सर्दी है फिलहाल अभी, तो अभी हम बैगेज लेने के लिए जा रहे हैं अपना बैग क्लेम ऑप्शन के पास। सभी यहाँ पे जो बैगेज कलेक्ट हुआ था हमारा न्यू दिल्ली के अंदर,
हैंड लगेज हमारा साथ है, और जो हमारा 30 kg लगेज था बड़ा लगेज वो यहाँ से हम क्लेम कर रहे हैं। लाइन में लगे हुए हैं सब। लेट्स सी व्हाट इज दिस। एटीएम है। अरे ये एक एयरपोर्ट पे एक सेल्फ लगेज कलेक्ट मशीन होती है जिसमें आप अपना पासपोर्ट रखें और आपको जो आपका एक टिकट जनरेट कर देते हैं उससे आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट चाहिए होता है, तो हमारे पास इंडियन पासपोर्ट था तो हमने ट्राई किया तो अलाउ नहीं कर रहा था, तो हम मैनुअली जाके अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर के लिए आ चुका है वहाँ पर ऑप्शन, सो हम वहाँ पर जाते हैं। आगे प्रोसेस में इसके बाद बताता हूँ। सो फाइनली वी आर हियर एट मेलबर्न एयरपोर्ट। बैगेज वहाँ पे हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसमें काफ़ी टाइम लगा। पहले हमें लगा दूसरे सेक्शंस बना रखे होते हैं जहाँ पे जैसे अलग अलग फ्लाइट्स के बैगेज आते हैं, तो हमें लगा हमारा, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी कोलंबो में, तो हमें लगा बैगेज हमारा कहीं और आएगा। बट हमने जब मैंने वहाँ के अथॉरिटी से पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो लास्ट फ्लाइट रही है उसी के उस पर आएगा। तो जो कि हाँ, काफ़ी देर वेट करने के बाद मैं जब जैसे ही पता करने गया वहीं पर मेरा लगेज आता हुआ दिखा मुझे, तो मशीन जिससे मूव होती रहते हैं बैगेज उसी से मैंने कलेक्ट किया मेरा बैगेज। और ये मेलबर्न एयरपोर्ट है, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। एक खास चीज़ आपको बता दूँ, जब भी आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं या आपकी कहीं कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, जैसे कि मेरी कोलंबो में कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो वहाँ उस एयरपोर्ट पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है, जिससे आप अपने रिलेटिव से या कोई आपको डाटा अपलोड करना है तो स्टोरी डालनी होती है कई बार, तो आप वो यूज़ करके अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जस्ट आपको अगर वहाँ पे अथॉरिटीज़ कोई भी खड़ी हो उससे जस्ट पूछना कि मेरे को फ्री है वाईफाई कनेक्ट करना, वो आपको बता देंगे। और यहीं मेलबर्न एयरपोर्ट पे ही पहुँच के भी आप अगर कभी आप किसी और एयरपोर्ट भी जाते हैं वहाँ पे कनेक्ट करके आपको किसी को कॉल करना है बुलाना है, बिकॉज आपके सिम नेटवर्क तो बंद हो जाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ से फ्री वाईफाई लेके आप कनेक्ट कर लें। देखिए क्या काफ़ी शानदार, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मेलबर्न। अभी मैं बाहर का दिखाऊँगा आपको नज़ारा। वाह क्या बहुत ज़ोर हवा चल रही है भाई यहाँ पे इस वक्त। अभी पिक करने के लिए आ चुके हैं हमें, और बहुत तेज़ हवा है मासी जी, है ना, लोअर ओवर बचा नहीं पा रहे जल्दी, वो तो सही रही जैकेट ऊपर रखी हुई भाई साहब, बहुत तेज़ हवा, शीतलहर जिसे कहा। इस वक्त हम पार्किंग में, नींद बहुत तेज़ आ रही है, घर पहुंचना है और सोना है भाई, तो आगे कहानी उसके बाद कल सिम वगैरह लेंगे और बाकी